शुरू होया जे पहला भी विधायक ने उन्होंने कभी गल नहीं कही जी हूँ असं कह रहे हैं कि जिदा सानू किस तरीके घर पहुँचाया जाए ठीक है जिदा रोड जिन्हों मर्जी अही ये नहीं कह सकते जिद इधर भी बंदे फसे दे उधर परली परली पासे भी बंदे फसे ही हुए लेकिन अगे तुम देखो रात कि कटांगे ठीक है अही तुही अपने तरीके ना देखो भी किदा पहुँचाना उन्होंने घर प्रशासन अं कुछ कह नहीं सकते हले हले कुछ नहीं कह सकते जो अं अपने तरीके चलोंगे तो फिर अं प्रशासन फिर अं दसा चार साल कुछ नहीं देर तो कि देर चार साल तो हो गया चार साल कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया रेता पा देंगे सड़क बना रेता पा देंगे सड़क बना देंगे उस तो बाद कुछ नहीं किया बड़ी तरक्की कोई तरक्की नहीं की कुछ नहीं किया पिंड पिंड का रस्ता यही है एयरपोर्ट वाले सानू रस्ता नहीं देंगे सरकार बेली महंता पंचायत पिंड मेरा नाल लगता और साड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदौरा जो कि कल मौके के उत्ते एम एल ए साहब पूरी टीम अपने जिन्हें भी ऑफिसर मौके पर आए एस डी एम साहब सारा मौका देख के गए ने जो कि उन्होंने कहा कि असं यहाँ काम जल्द तो जल्द कराने की कोशिश करा ठीक है जी कल दी है डीसी साहब को मेरा शायद ख्याल है कि उन्होंने पता लग चुका है यदा काम शुरू होना सी जो कि रात को बारिश आने के सारा ही रस्ता जो टुट गया और कंध टुट गई मैंने हुने हुने खबर मिली तो सर जी मैं मौके पर पहुंची साढ़े एस डी एम साहब भी आ रहे एम एल ए साहब भी पहुँच रहे हैं तो इस करके कि मैं मौका देखा कमांडर साहब अंदर फोन किया कि आर्मी वाले कि सर साढ़े थोड़ी जी दीवार गिर गई है क्योंकि होस्पिटल है होस्पिटल के कोई भी प्रॉब्लम आ सकती पानी अंदर जा सकता है समस्या आ सकती है नाल पिंड लगते हैं अगर 10,000 की वादी है जोड़े गांव अगे ने कुछ लोग जोड़े इधर गए से बेचारे उन्होंने बच्चे इतने भैन खड़िया कहीं कि लंघना साड़ी एक रिक्वेस्ट है कि जब तक यह पुल नहीं बनता रस्ता नहीं बनता क्योंकि काम करद टाइम तो लगना सानू रिक्वेस्ट है साड़ी सरकार गाड़ी कि असी रिक्वेस्ट करते हैं कि जोड़ा वो परिवार है बिल्कुल लंघन की परेशानी होगी उन्होंने इस आर्मी के रस्ता दिता जाए कि उन्होंने इंट्री की जाए उन्होंने प्रूफ देखे जाने पास बन जा जिन्ना चर पुल नहीं बनता उन्होंने रस्ता मिल बड़ा सेंसिटिव एरिया आ पिछले कई दहाकों तो जोड़ा ये पुल इदा का ही आ भूमि कटाव आ कई चिरों तो भूमि कटाव हों रहा क्यों नहीं केंद्र सरकार ने रल ध्यान दिता सर जी यदा ध्यान किया थोड़ा बहुत बनाया सी पर मैं एक गल करना चाहवागी जो कि क्रैशर बहुत ज़्यादा ने इधर क्रैशर का जिन्ना भी लोड आ ट्राली और ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा लोड इस रोड के उत्ते पैंदा किन्ना कि बनावे जिन्ना बनावे पानी गाड़ी कोई जोर नहीं हुंदा पानी का घट ही इस रोग नू आ गया दूसरी गल जड़ियां पिछे सिलां लगियां ने वह इस रोग नू लगियां ने पानी की जिन्ना भी घट है इधर वज रहा इस करके अं कल भी गल की सी कि यह चीज़ गलत बनी है इनू सही करो पानी का घट परले बन्ने हो जाए हो सकता फिर यह प्रॉब्लम नहीं आ सकता अच्छा मैडम अज जो भूमि कटाव नाल जो इतने होया आ वह किड़े किड़े इलाके इफेक्ट करेगा क्या एयरपोर्ट या एम एच होस्पिटल है या नहीं है सर जी ये जो रस्ता कटिया गया यह मेन एयरपोर्ट का रस्ता भी है सर एयरपोर्ट का भी रस्ता ही है जिदा कोई ऑफिसर जां कोई आन जान की बड़ी प्रॉब्लम होंगी मैं उस वक्त ही उन्होंने फोन करके कहा कोई भी इस रस्ते रात को ना लंघे और 10,000 की वादी है काफ़ी पिंड ने अगे जड़े बेचारे सवेरे जाते हैं शाम को अपना रोजी रोटी कमा के ढिड पालते हैं एम एच मिलिट्री होस्पिटल में कितना का प्रभाव पाया बहुत ज़्यादा पाया जी देखो दीवार ही टुट गई है तुम देख रहे हो दीवार ही टुट गई है अंदर के पानी घुस गया तो की करे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी इस करके अं रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द वारदात तो हुई है जी उपर पहाड़ा च बारिश हुई है वाल क्या होया कि इतने का जोड़ा अपने एयरपोर्ट में रोड जाता सा पठानकोट तो पठानकोट एयरपोर्ट रोड जाता टांगू माजा रोड जोड़ा वो अच्छ सारा सारा बारिश की चपेट के आके चक्की के दहन हो गया सारा सारा ही वाला वाल क्या होया कि इस अपने इलाके जो चार तो पाँच पिंड पेंदे है उन्होंने सारिया का ही जोड़ा है पूरे पठानकोट के नाल हिमाचल के नाल जोड़ा है पूरा कट ऑफ हो गया एक टापू बन के रह गया सारा सारा ही क्योंकि कुछ लोग जो इस छोटे जे इलाके दे विच हैगे आ वो पठानकोट या हिमाचल दे विच काम करदे ने अज देखण नूं मिल रहा कि इत्थे काफ़ी दुनिया कट्ठी है
ਕੀ ਮਸਲਾ ਆ ਕਿ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਮਟਾਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਧਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਵਾ, ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਨ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਅ ਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੂਰੀ ਢੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ, ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚਿਹਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਨ ਸਭ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟ ਹੈ ਰੋਡ ਚੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੁਆਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। पहला मेरा लव मैरिज नूं लैके कोई भी काम नहीं बन रहा सी, बहुत जगह ते धक्के खाए, फिर बाद विच मैनूं किसे ने मियां मुराद जी अली बारे दस्या ते अज देखो मैं अपने वैवाहिक जीवन दे विच बहुत खुश हाँ। कारोबार एकदम ठप हो गया सी, असीं बड़े औखे हो गए, फिर सानूं किसी ने मियां मोहम्मद अली जी बारे दसिया, उन्हां ने सारी साडी समस्या दा चंगी तरह जड़ों निपटारा कर दिता, हुण असीं बहुत खुश। हुणे कॉल करो 98417 18786 97797 24075।